नमस्कार कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले नज़र आज की खास खबरों पर वर्षा जल संरक्षण के लिए पानी का करे संचय एग्री मॉल की तर्ज पर किसान बाजार मंडी शुल्क माफ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की नई योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए मंजूर किए 280 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को देगी चौरासी हजार करोड़ का फसली ऋण आधुनिक बनेंगे देश के आंगनबाड़ी केंद्र पर्यटन भवन में खुशबू का संगम बनी आम प्रदर्शनी और पर्यावरण संरक्षण के लिए बारिश में करे बागवानी अब कृषि समाचार विस्तार से प्रदेश सरकार किसानों को उनका बाजार मुहैया कराने के लिए विशेष पहल कर रही है बड़े शहरों में दो से दस एकड़ तक भूमि चिन्हित कर एग्री मॉल की तर्ज पर किसान बाजार बनाए जाएंगे। इनमें किसानों का मंडी शुल्क माफ रहेगा किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल दिलाने उन्हें बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने एवं परंपरागत मंडियों में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने राज्य में 250 मंडी समितियां व तीन सौ छाछठ उप मंडियां विनियमित करने का फैसला किया है मंडी परिषद के माध्यम से बनने वाले किसान बाजारों में किसानों को उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की छूट होगी उन्हें कोई मंडी शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा वहां किसानों के लिए क्लीनिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग एवं पैकेजिंग आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी इन बाजारों में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोक कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने के अवसर भी मिलेंगे इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम के दस्तकार भी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर उन्हें बेच सकेंगे वैसे प्रदेश सरकार ने खरीफ सत्र में बाईस लाख टन गेहूं खरीदा है जो पिछले वर्ष की तुलना में सोलह लाख टन अधिक है इस वर्ष 30 लाख टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तीन चौथाई से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है प्रदेश में गेहूं खरीद के स्थापित पांच क्रय केंद्रों से चार लाख तीन हजार एक सौ इकतालीस किसान लाभान्वित हुए उन्हें तीन हजार दो सौ सतासी दशमलव दो छह करोड़ रुपयों का शत प्रतिशत भुगतान किया गया गांव में अब किसी इलाके में बिजली जाएगी तो पानी की सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने तेरहवीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत 1715 करोड़ रुपयों का बजट पास किया है इसके तहत गाँव में आम उपभोक्ताओं और ट्यूबवेल के फीडर अलग अलग किए जाएंगे जिससे सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई पर कोई परेशानी नहीं होगी योजना में मध्यांचल के 21 जिले के इक्यावन गांव और उनतीस मजरे शामिल हैं। इन गांवों में उप केंद्रों से दो फीडर निकाले जाएंगे एक फीडर से आम उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी जबकि दूसरे से पानी की टंकी और निजी सरकारी नलकूपों को कनेक्शन दिया जाएगा इस योजना के तहत केवल लखनऊ में ही 8,336 नलकुप नलकूप स्थापित किए जाएंगे जिनमें से 8,000 निजी और 336 सरकारी नलकूप होंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रदेश सरकार ने 280 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है इसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के विस्तार के लिए एक करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं इस योजना के तहत सरकार ने तय किया है कि किसानों को बत्तीस कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा इसके अलावा प्रदेश में किसानों को संकर बीजों का वितरण भी किया जाएगा ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ रुपयों के कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा जिससे पूर्वांचल के 14 जिलों के हजारों किसान लाभान्वित होंगे साथ ही साथ राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए एग्री मॉल की तर्ज पर अत्याधुनिक विशिष्ट बाजार विकसित करने की योजना बनाई है जिसे किसान बाजार के नाम से जाना जाएगा और किसान बाजार में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होगा प्रदेश सरकार इस साल 32 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना बना रही है इसके जरिए चौरासी हजार करोड़ रुपयों का फसले ऋण दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसान कृषि निवेश कृषि यंत्रों की खरीद खाद उर्वरक सिंचाई संसाधन व बीज खरीद सहित कई कामों के लिए कर सकेंगे इसके लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में सरकार के निर्देशों का पालन करें तथा योजना को सफल बनाएं केंद्र सरकार मौजूदा आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है इसके तहत पहले चरण में हरियाणा बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा राजस्थान गुजरात कर्नाटक व छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक नंद घर नाम से आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे इस योजना के तहत बने पहले केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के हसनपुर गांव में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया उन्होंने बताया कि देश भर में इस तरह के 4000 केंद्र तैयार किए जाएंगे ये घर भूकंप रोधी होंगे तथा इनमें सोलर लाइटों का प्रयोग किया जाएगा इनमें लगी टीवी इन्वर्टर आर ओ पंखे आदि सोलर ऊर्जा से चलेंगे इस केंद्र में 40 बच्चे पढ़ सकेंगे 250 गज में बने इस केंद्र को बनाने में लगभग 18 लाख रुपयों की लागत आई है इसके बन जाने से ग्रामीण अंचलों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याएं न सिर्फ दूर होंगी बल्कि इनमें लोगों की रुचि भी बढ़ेगी पिछले दिनों पर्यटन भवन में दो दिवसीय आम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया मौका था आम विविधता प्रदर्शनी एवं सुरक्षित उत्पादन सहभागिता संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह का इस अवसर पर आम की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया इसके अलावा एच दो हजार सैतालीस एच चार हजार पैंसठ एच उनासी के प्रजाति को देखकर लोग काफी प्रभावित नजर आए इस अवसर पर आम के लजीज व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया प्रतिभागियों ने आम का पुलाव आम बहार मैंगो कोफ्ता मैंगो मैंगोकॉर्न एवं अवध की शाम समेत अन्य नाम से कई व्यंजन पेश किए और प्रदर्शनी का लुफ्त उठाया ऐसे किसान जो आम की बाग की स्थापना करना चाहते हैं वे बारिश आने से पहले ही स्थान का चयन कर ले आम के बाग की स्थापना बलुई दोमट मिट्टी के साथ ही पथरीली जमीन पर भी की जा सकती है जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बाग की स्थापना के लिए पौधरोपण किया जा सकता है एक आम का पेड़ 10 वर्षों में 3 मीटर तक बढ़ता है ऐसे में पौधों को लगाने के लिए स्थान के चयन में भी सावधानी बरतनी चाहिए आम के बाग लगाने के लिए किस्मों के चयन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए प्रदेश में दशहरी चौसा बम्बइया फजरी जैसी किस्मों के पौधे लगाए जा सकते हैं आम व अमरूद सहित अन्य फलों के बाग लगाने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है अनुदान की जानकारी के लिए किसी भी जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है तो किसान भाइयों ये थे आज के कृषि समाचार अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति नमस्कार और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जी है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना दे दो ना सबर कर गोलू अभी दाल नहीं गली तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार एन एफ एस एम के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में एक हजार क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फायदा हमें पाँच एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी दाल का करेंगे क्या जी अरे भगवान सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा हाँ जी 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 किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था सुबह भी रात को भी किसान कॉल सेंटर सुबह छह बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रविवार को भी साल के तीन सौ पैंसठ दिन खुलता है पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मैं तो कुछ और ही समझी थी कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पाँच पाँच एक आरोप सम्पर्क कर आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। म अरे ओ कनश्याम वो तो सकूल गए हैं हम्म, सकूल गया है <laughs> अरे पहाना तो ढंका बनाती हाँ लाला मैं स्कूल ही गया था फार्म स्कूल जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा ये पकड़ लाला तेरा हिसाब साफ नमस्कार सभी किसान भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में किसान भाइयों अपने कार्यक्रम में हम रोज एक नए विषय पर बात करते हैं और उस पर आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मेंथा यानी पीपरमेंट की खेती कैसे करें और उसे विपणन तक कैसे पहुंचाएं और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रीतम चक्रवर्ती जी, जो स्पाइसेस बोर्ड सरकार के रीजनल बारा बंकी में क्षेत्राधिकारी हैं प्रीतम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार प्रीतम जी पूरे भारत देश का करीब बानवे प्रतिशत जो है वो यूपी में पैदा किया जाता है तो अगर कोई नया किसान है और उसे इसकी खेती की शुरुआत करनी है तो कैसे करें? मेंथा के बारे में पहले बोलना चाहू तो मेंथा चार प्रकार का होता है जो पहले होता है और जो तेल निकलना चाहते हैं हम लोग वो एक्चुअली मिंट है जो मेंथा अर्वेंसिस उसका वैज्ञानिक नाम है तो उसी से तेल निकलता है तो आप लोग को पता होगा तो मेंथा बीज से नहीं होता वो जड़ से उसको पैदा किया जाता है जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग तो जर्स से भी किया जाता है और नर्सरी में पौध बना के भी उसका खेती किया जाता है तो तीन महीने का फसल है अच्छा आपने अभी कई प्रकार बताए मेन्था के तो इनमें सबसे अच्छी प्रकार कौन सी है और क्या जो जितनी भी प्रकारें आपने बताई हैं सब अलग अलग चीज़ों के लिए हाँ अलग अलग चीज़ के लिए है जैसे कि तेल के लिए मेन्था आर्वेंसिस जो है मैंथोल मीट वो पैदा किया जाता है और पेपरमिंट जो पुदीना चटनी के लिए होता है और बर्गमोट मिंट जो है उससे डिहाइड्रेटेड मीन बना के वेरियस तो अलग अलग, का अलग, -अलग से है। तो ये सारी जो आपने वो किसान भाई निकाल सकते हाँ, हो कर सकते हैं है, क्यों नहीं कर सकते हैं पर मैंथोल मीन में जो है यूपी तो फेमस है आपका वो तेल निकालने के लिए तो वही इधर किया जाता है ज्यादातर किसानों के लिए अच्छा अच्छा एक चीज और देखी है मैंने कि बाराबंकी और लखीमपुर के जो क्षेत्र है वहाँ हाँ। पे ज्यादातर मेंथा की खेती होती है तो क्या वहाँ की मिट्टी कुछ अलग प्रकार की है या फिर इस फसल के लिए कुछ अच्छा। अलग तरह की मिट्टी होनी जरूरी है इस फसल के लिए मिट्टी जो एलोवियल सॉयल होता है जो दोमट मिट्टी अच्छा, वो अच्छा रहता है तराई रीज़न में जो होता है प्लेन में जो मिट्टी रहता है वो मेंथा के लिए अच्छा होता है और मेंथा के लिए पीएच भी बहुत महत्वपूर्ण है जो 6.5 टू 8.5 जो पीएच एच रहता है उसके अंदर खेती करना अच्छा है सो अच्छा। तो इसके लिए मिट्टी परीक्षण जरूरी है और मिट्टी में पानी जमना नहीं चाहिए ड्रेनेज अच्छा। फैसिलिटीज अच्छा होना चाहिए तभी अच्छा है क्योंकि पानी जमा हो तो वो जर वो सर सकता सर है तो, तो इसलिए ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा रहना चाहिए और मिट्टी की जाँच कराना कितना जरूरी है मिट्टी का जाँच करना बहुत जरूरी है क्योंकि सोडिक सॉयल होगा तो उसमें में था अच्छा नहीं होगा अच्छा एसिडिक सॉयल होगा उसमें भी नहीं अच्छा पर अच्छा। एसिडिक सॉइल है तो आपको पता चलेगा तो तो आप लोग लाइम अप्लाई करके उसका पीएच जो 6.5 टू 8.5 है उसके अंदर लाने से तब खेती अच्छा रहेगा इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इधर किसान लोग नहीं करते तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सीमेप में भी किया जाता है और आस के जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनमें आप लोग जा सकते हैं और

तो एक कटिंग तो आपका नब्बे दिन में हो जाता है तो नब्बे दिन के बाद जो तेल निकालने के लिए जो टंकी में हम लोग डालेंगे उसके पहले एक दिन काट के उसको सुखाना पड़ता है उसके बाद टंकी में डाल के हम लोग तेल निकालते हैं तो उसके बाद तेल निकालने के बाद वो जीआई ड्रम में या फिर प्लास्टिक ड्रम में लोग भंडारण करते हैं उसके बाद मार्केट में सेल करते हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है अच्छा ये बताइए अब हमारे जो मिंथा है वो बाजार में जाने के लिए तैयार हो गया तो उसको बाजार में कैसे पहुँचाया जाए अच्छा उसके लिए पहले मैं मेंथा का कुछ इम्प्रूवड वेराइटीज़ जो है उसके बारे में पहले बोल दे, देता हूँ दे, जो अभी जो चल रहा है हिमालय और कोसी ये दो वेरायटी अच्छा चल रहा है ज़्यादातर लोग कोसी यूज़ करते तो उसका तेल अच्छा परसेंटेज निकलता है और उसके लिए खाद वगैरह भी अच्छा से डालना चाहिए इधर किसान लोग भाइयों को पता नहीं ठीक से सब लोग बैलेंस्ड डाई जो है वो नहीं मिल रहा है मेंथा को वो नहीं डाल रहे तो उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ जो एफ जो है जो गोबर खाद है दो पर हेक्टर में आपको 100 किलो ऐसा डालना चाहिए मैं था कि अच्छे खेती के लिए क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर वो इम्प्रूव करेगा सॉयल पे। तो उसके बाद जो है नाइट्रोजन जो है 150 फिफ्टी पर हेक्टर, पोटाश है फिफ्टी किलो और फॉस्फोरस भी 50 किलो वो हिसाब से डालना चाहिए उसके साथ जिंक और सल्फर बहुत ज़रूरी होता है मेहनत के लिए सल्फर जो है वो तेल का क्वालिटी अच्छा करता है ज़्यादा तेल निकलता है सल्फर डालने से तो जिंक सल्फेट आप लोग 25 से 30 किलो पर हेक्टर डाल सकते हैं अच्छा अच्छी फसल के लिए हम ज़्यादातर ये करते हैं कि अपने खेतों में दवाई डालते हैं ताकि हमारी फसलें अच्छी हों तो क्या इनमें भी किसी दवाई का छिड़काव करना जरूरी है हाँ दवाई का छिड़काव अगर रोग और कीड़ा का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर करना चाहिए इधर तो किया के लिए जो इधर जो देखा अभी इस सीज़न में व्हाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है तो तो व्हाइट फ्लाई के लिए आप लोग ट्रायोजोफो ट्रायोजोफोस एक मेडिसिन आता है होस्टाथियो नाम से जो दो, दो तो एम एल प्रति लीटर में आप लोग डाल के स्प्रे कर सकते हैं वो अच्छा काम करता है और कहीं कहीं पे दीमक का प्रॉब्लम हो तो क्लोरोपेरीफोस आप लोग डाल सकते हैं वो लगाने से पहले मिंथा लगाने से पहले आप लोग सिक्स हंड्रेड एम पर हेक्टर वो हिसाब से क्लोरोपेरिफोस देने से वो दीमक का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा हो जाता है अच्छा अब ये बताइए जैसे हमारी एक फसल तैयार हो गई है कट हाँ। चुकी है अब हमें दूसरी फसल लगानी है हाँ। तो सही समय क्या है उसको लगाने का और कितना अंतराल होना चाहिए दो फसलों के बीच में मेंथा का दो कटिंग लिया जा सकता है पर यहाँ पे लोग एक ही कटिंग लेते हैं तो अभी तो खत्म हो गया कटिंग लेना जुलाई तक खत्म हो गया तो अगस्त से अब लोग नर्सरी में लगा सकते सकर प्रोडक्शन होगा तो वो जन दिसंबर जनवरी तक रेडी हो जाएगा और नर्सरी में जो लगाता है जो फेबरुअरी में तैयार हो जाता है तो फेबरुअरी से फिर लोग लगा सकते हैं वो नर्सरी में ट्रांसप्लांटिंग करके मेन फील्ड में तो अभी से ही शुरू करना चाहिए अच्छा, अच्छा, और जर के लिए एक्चुअली जर इधर प्योर जर नहीं मिलता मिक्सचर मिलता है आजकल तो उसी प्योर जर, जर चा, चाहिए उसके लिए आप लोग सीमेप से सीमेप में जा सकते हैं उधर आपको शुद्ध जर मिल जाएगा वो आप लोग लगा सकते हैं अच्छा अब बात करें किसानों के हित की क्योंकि हमारा हाँ, कार्यक्रम भी किसानों के लिए ही है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो हाँ, है क्या वो कुछ योजनाएं चला रहा है किसानों के हित के लिए जी बिल्कुल हम लोगों का स्पाइसेस बोर्ड का नया ऑफिस खोला है बाराबंकी में रीजनल ऑफिस और भी यूपी में ऑफिस है रायबरेली में है और साम्बाल में भी नया ऑफिस खोला है तो हम लोगों का मेन्था का जो टैंक है तेल निकलने का आपको पता होगा इधर लोग लोकल वाला टैंक यूज करते हैं तो उसमें आपका 20 से 30 प्रतिशत तेल कम निकलता है ऊपर से वो उसमें वो क्या बोलते हैं जो फटने का बहुत चांसेस रहता है आप पेपर में देखेंगे टैंकी फटने से बहुत लोग इंजर्ड होते हैं कहीं कि, कि किसी का मौत भी हो जाता है हो जाता और है। वो तीन चार साल से ज्यादा नहीं चलता तो सीमेप का डिजाइन किया वाला एक टैंकी हम लोग उसमें अनुदान देते है तैतीस प्रतिशत अनुदान तो अगर आप लोग वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं सीमेप का डिजाइन वाला तो उसमें हम लोग का स्पाइसेस बोर्ड की तरफ से भारत सरकार से तैतीस प्रतिशत अनुदान देते हैं अच्छा। तो और क्या कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने हाँ के लिए। हम लोग अभी हाल ही में पिछले महीने पंद्रह मीटिंग किया है यूपी के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में तो उधर हम लोग हम लोगों का स्कीम्स के बारे में प्रचार कर रहे हैं और आप लोगों के जानकारी के लिए जो रायबरेली में एक स्पाइसेस पार्क खोल रहा है जो अगले दो तीन महीने में कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल से पूरी तरह तैयार हो जाएगा काम करने के लिए तो आप लोग उधर तेल को जाके बेच सकते हैं किसान भाई लोग जो इधर अभी लोकल में जो बेचते हैं उसमें आपको बिचौलिया लोग खा जाते हैं बहुत पैसा उसको अभी स्पाइसेस पार्क में जब आप लोग बेचेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम मिल रहा है मेंथा का उसी के हिसाब से आप लोग बेच सकते हैं उधर टेस्टिंग का भी फैसिलिटीज़ रहेगा अच्छा अब बताइए कि ज्यादातर परेशानी किसान को तब होती है कमाने के लिए हाँ, इनका नुकसान कर देता। हाँ, तो क्या उसको समझाने के लिए या उस योजना को दिखाने के लिए किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है हाँ हम लोग जागरूकता प्रोग्राम कर रहे है ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं एक्चुअली जो अभी बिचौलिया लोग का कुछ मतलब तेल का कुछ स्टैंडर्ड नहीं है तो वो लोग सत्तर प्रतिशत होने से भी उसमें जितना दाम देते हैं किसान लोगों को साठ प्रतिशत में उसने देता है मतलब अ, अच्छा दाम नहीं मिल रहा है तो इसीलिए स्पाइसेस बोर्ड जो बाराबंकी में स्पाइसेस पार्क खुल रहा है तो उसी में टेस्टिंग किया जाएगा आपका तेल अच्छा क्वालिटी होगा तो आपको अच्छा दाम मिलेगा सत्तर प्रतिशत होगा तो मैंथल परसेंट उसी हिसाब से उस उतना दाम मिलेगा और उसका कम होगा तो उसी हिसाब से कम मिलेगा तो इसीलिए अच्छा तेल पैदा करने से आपको अच्छा दाम मिलेगा वो बाहर से एक्सपोर्टर लोग आएंगे आप लोग डायरेक्ट बेच सकते हैं किसान लोग उनको और उस दिन बेच भी ना नहीं पाए तो उधर स्टोरेज भी रहेगा बिना मूल्य आप लोग उस पर रख भी सकते हैं उसमें अच्छा, प्रीतम जी आप यहाँ आए आपने मिंथा के बारे में हमें जानकारियाँ दी उसके लिए आपका बहुत बहुत तो धन्यवाद नमस्कार नमस्कार खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार मानसून की राह देख रहे प्रदेश के लोगों को अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा मानसून बहराइश तक दस्तक दे चुका है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के भीतर उसके लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है इस बीच बादलों की लुकाछिपी के साथ अलग अलग स्थानों पर बौछारें पड़ती रहेंगी कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे तथा कुछ जगह गरज व चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के लिए दो से तीन दिन और इंतजार करना पड़ेगा लखीमपुर खीरी श्रावस्ती बलरामपुर शाहजहांपुर आदि इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है तथा प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है तो ये थे आज के मौसम समाचार अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति नमस्कार